एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस वन इज जीरो। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछ लिया बच्चों ने। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब डी वाई और डी एक्स न्यूमरेटर में आ गए, अब डी वाई की साइड वाई रख दो और डी एक्स की साइड एक्स रख दो, इसे एक्स को उधर लाना पड़ेगा। डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो वाई वाले वेरिएबल इधर हो गए, एक्स वाले इधर हो गए, अभी से इंटीग्रेट कर लो। डी वाई का क्या हो जाएगा वाई, और वन अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी। हो गया फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर वाई कितना है जीरो, तो एक्स की जगह माइनस वन रख दो और वाई की जगह जीरो रख दो। अब समझ में आया बच्चे ने क्यों पूछा है, ये बच्चे ने पूछा है एक्स की वजह से। यहाँ पे ना एक्चुअली मॉडुलस होता है, ये हमेशा मॉडुलस होगा, ठीक है। तो ये वाई इज इक्वल्स टू माइनस लॉग माइनस वन प्लस सी, वाई कितना था जीरो था, ठीक है, जीरो इज इक्वल टू माइनस एंड लॉग ऑफ वन, लॉग वन कितना होता जीरो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, वहाँ पे पुट कर दो तो वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस जीरो। तो ये आ गया हमारे पास वाई प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा।